तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी आलू का हलवा बना के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, मीडियम साइज के आलू हैं। आलू को हम मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। इसे अच्छे से मैश करें ताकि इसमें लम्स ना रहे। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम आधा कटोरी घी को डालते हैं। हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट को लिया है, जिसमें मैंने काजू, किशमिश और बादाम को लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे हम 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। दो से तीन मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आलू को डाल लेते हैं। आजकल तो नवरात्रि चल रही है, तो इसे आप एक बार जरूर बनाएं। इसे हमें धीमी आंच पे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इलायची को हम कूट के डाल लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से भून चुकी है, ये गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। अब इसमें हम आधा कटोरी दूध को डालते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार चीनी डालते हैं। आधा कटोरी मैंने चीनी लिया है। इसे हम बिल्कुल ड्राई होने तक अच्छे से पका लेंगे। ये हलवा इतनी टेस्टी लगती है कि जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। जब ये ड्राई होने लगती है, अपने आप पैन छोड़ने लगती है, इसे हम 5 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हलवा हमारी बनके तैयार हो गई है। आप पास से ही देख सकते हैं ये कितना इसका क्रीमी टेक्सचर है, देखिए। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस हलवा को देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट को हमने बचा लिए थे गार्निश के लिए, तो ऊपर से हम ये डाल लेते हैं। आलू का हलवा आपने तो कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी डिलीशियस आपको ये रेसिपी लगेगी। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है। तो आप भी हमें बेफिक्र होकर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हलवा कैसा लगा।